का सब्जेक्ट है मैथ्स. लास्ट टाइम ने क्या किया था, 1 to 5 का रिवीजन, राइट. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नंबर 6. बोलो नंबर 6, हाउ टू राइट नंबर 6. पहले आपको क्या करना है, ये डॉट से स्टार्ट करना है, ठीक है. यहाँ से ऐसे कर्व बना के नीचे आना है, देन यहाँ पे जहाँ पे कर्व एंड होता है वहां से ऐसे फोल्ड करके सर्कल करना है. वंस अगेन यू हैव टू राइट लाइक दिस, मेक अ कर्व, देन जहाँ पे कर्व एंड हुआ वहां से ऐसे फोल्ड करके सर्कल बनाना है. नंबर 6, बोलो नंबर 6, ठीक है. हाउ मेनी काउस, काउंट करो टीचर के साथ, 1 2 3 4 5 6. वंस अगेन, 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी काउस, 6 काउस, ठीक है. अभी आपको क्या करना है, नंबर 6 का यहाँ पे ये पेज पे ट्रेसिंग करना है. चलो टीचर के साथ लिखो, यहाँ से स्टार्ट करना है. पहले फर्स्ट पे आप राइट कर्व, जहाँ पे कर्व एंड हुआ वहां से ऐसे ऊपर जाओ, एक ज्वाइन करो, ठीक है. वंस अगेन कर्व, यहाँ से ऊपर गए और सर्कल करके ज्वाइन किया, ठीक है. ऐसे 6 6 6 बोल के आपको ये ड्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है. अभी नेक्स्ट पेज पे देखो, अगेन आपको, लेकिन यहाँ पे ड्रेसिंग नहीं है, आपको डायरेक्टली लिखना है. हाउ टू स्टार्ट, जहाँ पे डॉट है वहां से स्टार्ट करो. पहले आपको क्या करना है, कर्व, ठीक है. जहाँ पे कर्व खत्म हुआ, एंड हुआ, वहां से ऊपर जाके कैसे सर्कल. वंस अगेन, फर्स्ट कर्व, जहाँ पे कर्व एंड हुआ वहां से ऊपर जाके ऐसे सर्कल ज्वाइन करना है, ठीक है. बोलो नंबर 6, नंबर 6, ऐसे 6 6 6 बोल के पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है. बोलो नंबर 6, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज हेल्प, आई वांट टू सी ओनली 6 फ्लावर्स. आपको क्या है, ये पॉट दिख रहा है मस्त, उसमें क्या करना है, 6 फ्लावर का स्टिकर यहाँ पे पेस्ट करना है. वी विल गो टू स्टिकर फॉर पेज नंबर 45. देखो यहाँ पे दो स्टिकर दिख रहे हैं, राइट, एक है और एक है. आपको क्या करना है, पहले फ्लावर्स काउंट करने, कहाँ पे 6 फ्लावर्स है, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, दिस इज 6 फ्लावर्स एंड 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना है, ओनली 5, बट वी वांट 6 फ्लावर्स. तो ये स्टिकर में 6 फ्लावर्स है, राइट. आपको ये स्टिकर यहाँ से पिल करके पॉट में स्टिक करना है या पेस्ट करना है, ठीक है. तो ये पूरा फ्लावर पॉट रेडी हो जाएगा विद 6 फ्लावर्स, ठीक है. हमने क्या सीखा, नंबर 6, बोलो नंबर 6, ओके. आपको क्या करना है, नोटबुक में 3 कॉलम बना के नंबर 6 लिखना है, ठीक है. नाउ वी गो टू नंबर 7. काउंट करो टीचर के साथ, हाउ मेनी कंगारूस, 1 2 3 4 5 6 7. Once again, 1 2 3 4 5 6 7. कितने हैं, 7. How to write number 7? Easy है, देखो. First sleeping line dot से start किया, ठीक है. और फिर ऐसे slanting line, जहाँ पे sleeping line end हुआ, sleeping line, slanting line, number 7. बोलो number 7, ठीक है. यहाँ पे भी नंबर 7 का ड्रेसिंग कंप्लीट करना है. स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, नंबर 7 ऐसे बोल के लिखना है, नंबर 7, ठीक है. फिर नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पे भी एक डॉट है, वहां से आपको नंबर 7 लिखना है. पहले क्या करना है, डॉट से स्लीपिंग लाइन बनाए, ठीक है. स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, 7 ऐसे बोलना है, 7 7, ठीक है. ऐसे बोल के ये पार्ट भी कंप्लीट करो, 7 7. लेकिन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मेक श्योर, जब भी बच्चे कुछ भी लिख रहे हैं नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में, वो बोल बोल के लिखे, तभी वो इमेज उसके दिमाग में फिक्स होगी और उनको रिकॉग्निशन स्ट्रांग होगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलर द लेडी बग विथ 7 पॉट्स. देखो यहाँ पे कितना है, 2 लेडी बग है, ठीक है. आपको क्या करना है, उसके बॉडी पे जो स्पॉट्स दिए हुए हैं, ये डॉट या स्पॉट्स बोलेंगे, उसको काउंट करना है पहले. 1, चलो टीचर के साथ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6. वंस अगेन, 1 2 3 4 5 6. इसके बॉडी पे कितने हैं, 6. अभी यहाँ पे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7. ये लेडी बग पे कितना है, 7. तो आपको क्या करना है, जो 7 वाला लेडी बग है, 7 स्पॉट्स वाला, उसको मस्त कलर करना है. आपको जैसे पसंद हो वैसे कलर करो, ठीक है स्टूडेंट्स. और सेम वे नोटबुक में 3 कॉलम बना के नंबर 7 लिखना है. ये हुआ 2 पेज, एक पेज पे नंबर 6 विद 3 कॉलम, एक पेज पे नंबर 7 विद 3 कॉलम. एंड पेरेंट्स प्लीज नोट 1 मोर पेज इन द नोटबुक विद द रिवीजन फ्रॉम 1 टू 5.
ये भी नंबर जब भी बच्चा लिखे तो उनको बोल के लिखने को बोलो, 1 2 3 4 5, ऐसे एक पूरा पेज 1 to 5 के रिवीजन का, ठीक है? तो नोटबुक में टोटल 3 पेज का होमवर्क है। ओके पेरेंट्स।